हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनसा द्विवेदी। अपने ब्लॉग के माध्यम से आज हम आपको नेपाल की यात्रा कराने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग मेरे ब्लॉग से जुड़े रहिए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि नेपाल की यात्रा करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें बता दें कि जब हम नेपाल के बॉर्डर पर, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर पहुँचेंगे, यानी जो सुनौली बॉर्डर पर पहुँचेंगे, तो हमें चाहिए होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड जिसको हमें दिखाना होगा, परमिट यानी भंसार की आवश्यकता होगी जो कि इंडियन गाड़ी को ले जाने के लिए हमें जितने दिन हम वहाँ पर रहेंगे उस हिसाब से पर डे हमें पे करना होगा परमिट, और उसके बाद हमारी यात्रा शुरू हो गई है। देखिए, खूबसूरत सा दृश्य हमें दिख रहा है और पहाड़ों के बीच से हमारी गाड़ी जाते हुए बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोगों को काफ़ी रोमांचक बहुत ही रोमांचक हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम सबकी यात्रा चल रही है, ये देख सकते हैं आप लोग सुनौली बॉर्डर का थोड़ा सा दृश्य यहाँ पर भी देख सकते हैं। और ये लेकिन हम वहाँ पर सुनौली बॉर्डर पर वहाँ पर वीडियो इसलिए नहीं बना सकते थे क्योंकि उस दौरान वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इस वजह से हम वहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते थे। आप देख सकते हैं अब हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, तो हम सब आपस में काफ़ी खुश हो रहे हैं कि हम नेपाल के लिए जा रहे हैं। आप सब भी हमारे ब्लॉग के माध्यम से जुड़े रहिए और नेपाल की यात्रा का आनंद उठाते रहिए और देखते रहिए कि किस तरीके से हम नेपाल की यात्रा के दौरान हम जा रहे हैं। और ये देख लीजिए, हमको भूख लगी हुई है, तो हम यहाँ पर नेपाल में पहुँच चुके हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर का रेस्टोरेंट बहुत ही कम दिख रहा है, तो हमने सोचा कि यहाँ एक सामने रेस्टोरेंट दिखा है, तो हम सभी लोग यहाँ पर रुके हैं और खाने के लिए। बट मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मैं हूँ वेज और मुझे मिलती है बहुत चीज़ें कम बाहर। मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिए आप, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको हम और जान। इसी प्रकार हमारे ब्लॉग से आप लोग जुड़े रहिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे शांति स्तूप और महादेव महेंद्र की गुफा और भी चीज़ें, तो जुड़े रहिए।